दोस्तों, आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उस घटना को वर्षों पहले अंजाम दिया गया था। इस मामले में अदालती कार्यवाही भी लगभग 62 से 63 साल पहले ही पूरी की जा चुकी है, मगर आज भी इस केस को याद किया जाता है, क्योंकि इस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को भारत के ऐतिहासिक अदालती फैसलों में गिना जाता है। ये मामला भूतों की हत्या का था। सुनकर अजीब लग सकता है कि आखिर भूतों की हत्या कैसे की जा सकती है, मगर इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। दुनिया इस केस को स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम राम बहादुर थापा केस के नाम से या फिर द मर्डर ऑफ घोस्ट्स केस के नाम से जानती है। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? वास्तव में हत्या किसकी की गई थी? इस पूरी कहानी और भूत का क्या रिश्ता है? इस केस में कातिल कौन था और अदालत में ऐसा क्या फैसला हुआ कि वो फैसला ऐतिहासिक हो गया? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको इस घटना की पूरी कहानी जानने के साथ साथ भारत के एक ऐसे अहम कानून के बारे में भी पता चलेगा जिसके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। उस कानून का और इस केस का बहुत ही गहरा रिश्ता है। कैसे, जानेंगे आगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, इस घटना को वर्षों पहले अंजाम दिया गया था। तथ्यों के आधार पर बात करें तो यह घटना 1958 के मई महीने की है और पूरी कहानी उड़ीसा के बालासोर जिले के रसगोविंदपुर गांव की है। इसी गांव के आसपास एक पुराना एरोड्रोम हुआ करता था। आसान भाषा में एरोड्रोम को समझें तो यह एक छोटा हवाई अड्डा हुआ करता था। किसी जमाने में डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा हवाई अड्डे का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, मगर एक समय बाद इस हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाता है। जब इस हवाई अड्डे को बंद करने का निर्णय लिया गया था, तब भी यहां काफी बेशकीमती सामान पड़ा हुआ था। बंद करने के ऐलान के बावजूद उन सामानों को वहां से हटाया नहीं जाता है। इस कारण समय के साथ वो सभी सामान कबाड़ में बदल जाता है। उन स्क्रैप्स की कोई चोरी ना कर ले, इसलिए डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर दो चौकीदार को स्क्रैप्स की रक्षा के लिए लगा दिया जाता है। वहां ड्यूटी करने वाले चौकीदार के नाम थे दिवाकर और गोविंद। 1958 के आसपास डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा यहां मौजूद स्क्रैप को बेचने का फैसला लिया जाता है। इस बात की जानकारी कोलकाता में चैटर्जी ब्रदर्स नाम की कंपनी चलाने वाले जगत बंधु चैटर्जी को भी लगती है। इसके बाद जगत बंधु चैटर्जी उस हवाई अड्डे पर मौजूद स्क्रैप्स को खरीदने की नियत से 1958 के अप्रैल महीने में कोलकाता से चलकर रसगोविंदपुर गांव आ जाते हैं। उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम बहादुर थापा भी आता है। राम बहादुर थापा, नाम याद रखिएगा। राम बहादुर थापा नेपाल का रहने वाला था, मगर पिछले काफी समय से जगत बंधु के घरेलू नौकर के तौर पर ही काम कर रहा था। उड़ीसा के रसगोविंदपुर गांव पहुंचकर इन लोगों को पता चलता है कि इस स्क्रैप खरीद की प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ सकता है। इसलिए ये दोनों इसी गांव के कृष्णचंद्र पात्रो नाम के व्यक्ति के घर पर बतौर किरायेदार रुकने का फैसला करते हैं। कृष्णचंद्र पात्रो इसी बंद पड़े हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर अपनी एक चाय की स्टॉल भी चलाता था। ये दोनों पात्रो के यहां ही आराम से बतौर किरायेदार रहने लगते हैं और स्क्रैप खरीद की प्रक्रिया में भी लगे रहते हैं। जिस इलाके में बंद पड़ा हवाई अड्डा था, उस हवाई अड्डे के आसपास के गांव में बड़ी संख्या में संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते थे। इस इलाके के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले ज्यादातर रास्ते उसी बंद पड़े हवाई अड्डे से होकर ही गुजरते थे। दिन के समय तो इस रास्ते से लोग बड़े आराम से आया जाया करते थे, मगर रात होते ही ये पूरा इलाका वीरान हो जाता था। दरअसल पूरे इलाके में ऐसी चर्चा आम थी कि बंद पड़े हवाई अड्डे पर रात में भूतों का कब्जा हो जाता है। यही वजह थी कि कोई भी व्यक्ति रात में हवाई अड्डे के आसपास से नहीं गुजरता था। यहां तक कि अगर हवाई अड्डे के उस पार से आए किसी व्यक्ति को घर वापस जाने में रात हो जाती थी, तो वो घर जाने की बजाय हवाई अड्डे के इसी पार वाले किसी गांव में रुकना ज्यादा पसंद करता था। भूतों का खौफ इतना ज्यादा था। हमने आपको इस इलाके के भूतों की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बताई है कि आपको हमारी आगे की कहानी आसानी से समझ आ सके। तारीख थी 20 मई 1958, रात के 9 बज रहे थे। जगत बंधु चटर्जी तथा उनका नौकर राम बहादुर थापा इस समय अपने मकान मालिक कृष्णचंद्र पात्रो के चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर
चंद्रमाझी नाम का एक व्यक्ति आता है। चंद्रमाझी पास के ही तिलकुंडी गांव का रहने वाला था। तिलकुंडी गांव हवाई अड्डे के उस पार था। रात के 9 बज चुके थे और तिलकुंडी गांव जाने का रास्ता एयरपोर्ट से होकर जाता था, इसलिए चंद्रमाझी भूतों के डर से अपने गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और कृष्णचंद्र पात्रों के चाय की दुकान पर आकर कहता है कि मुझे रात में यहीं रहने दो, मैं इतनी रात में अपने घर नहीं जाना चाहता क्योंकि रास्ते में वही भूतिया हवाई अड्डा है। जगत बंधु चटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा भी इस इलाके के भूतों के बारे में थोड़ा बहुत सुन चुके थे, इसलिए जैसे ही वो व्यक्ति भूत के डर से अपने गांव जाने की बजाय उसी टी स्टॉल पर रुकने की बात करता है, चटर्जी उससे कहते हैं कि अगर वास्तव में वहां भूत रहता है तो चलो आज मैं भी उस भूत को देख लेता हूं। इतना ही नहीं, ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे, इसी बहाने हम भूत भी देख लेंगे। पहले तो माझी इन दोनों के साथ गांव जाने से इनकार करने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद कहता है कि अगर कृष्णचंद्र पात्रो तैयार हो जाएंगे तब हम साथ में चल सकते हैं। इसके बाद जगत बंधु चटर्जी तथा उनका नौकर राम बहादुर थापा अब टी स्टॉल के मालिक कृष्णचंद्र पात्रों को अपने साथ चलने और भूतों को दिखाने के लिए जिद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पात्रो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली ये चारों एक साथ तील कुंडली गांव के लिए निकल जाते हैं। रात में ये लोग निकल जरूर गए थे, मगर इन लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कोई हथियार वगैरह नहीं लिए थे। हाँ, नौकर राम बहादुर थापा के पास एक खुकरी जरूर थी। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि खुकरी एक पारंपरिक नेपाली हथियार है जो अक्सर नेपाली मूल के लोग अपने पास सुरक्षा के लिए रखते हैं। आसान शब्दों में समझें तो खुकरी एक छोटी सी चाकू को कहते हैं। एक खुकरी के अलावा थापा के पास एक छोटा सा टॉर्च भी था। ये चारों कुछ देर पैदल यात्रा करने के बाद फाइनली तिलकुंडी गांव पहुंच जाते हैं और चंद्रमाझी को सही सलामत उसके घर पर पहुंचा देते हैं। जाते समय इन लोगों को रास्ते में या फिर हवाई अड्डे पर कहीं भी भूत दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन लोगों को लगने लगता है कि उनकी भूत देखने की हसरत अधूरी रह जाएगी। मगर जब ये लोग तिलकुंडली गांव से वापस आने लगते हैं तभी कुछ दूरी से ही इन्हें इस बार एयरपोर्ट पर कुछ हलचल दिखाई देती है। ये लोग कहते हैं कि कुछ मध्यम रोशनी इधर उधर हिलडुल रही है, साथ ही कुछ साया भी है जो इधर उधर हो रहा है। उस समय सन्नाटे रात में काफी तेज हवा भी चल रही थी। ये नजारा देखकर सभी समझ जाते हैं कि हो ना हो ये भूतों की टोली है जो सन्नाटे रात में डांस कर रही है। फाइनली इन लोगों को लगता है कि आखिरकार इन्होंने भूत को देख लिया। भूतों को करीब से देखने की एक्साइटमेंट में नौकर राम बहादुर थापा की चाल काफी तेज हो जाती है और ये तेजी से भूतों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये इतना तेज भागता है कि चटर्जी और पात्रो काफी पीछे छूट जाते हैं। तेजी से भागते हुए राम बहादुर थापा उस रोशनी और साय तक पहुंचता है और अचानक से अपनी खुकरी निकालकर पागलों की तरह हवा में चलाने लगता है। दरअसल थापा अपने पास मौजूद चाकू से भूतों पर हमला कर रहा था। राम बहादुर थापा अपने होशो हवास इस हद तक खो देता है कि उसे अपने साथ चल रहे बाकी के दो साथियों की भी कोई खबर नहीं रहती है और वो बस पागलों की तरह चाकू चलाना जारी रखता है। अब पीछे पीछे भागता हुआ वहां पर कृष्णचंद्र पात्रो भी पहुंच जाता है। जब कृष्णचंद्र पात्रो वहां पर पहुंचता है तो राम बहादुर थापा को इस बात का एहसास नहीं हो पाता है और वो पागलों की तरह चाकू चलाते हुए पात्रों पर भी एक दो वार कर देता है। चाकू के घाव की वजह से कृष्णचंद्र पात्रो अचानक से चिल्लाते हैं, नेपाली ने मुझे मार दिया। पात्रों के चिल्लाने के बावजूद कुछ देर तक राम बहादुर थापा अपने ही पागलपन में खोया रहता है। अब तक भागते हुए वहां पर चटर्जी भी पास आ जाते हैं। जगत बंधु चटर्जी थोड़ी दूर पर ही खड़े होते हैं तो वहां पर उन्हें पात्रों के अलावा कई महिलाओं के भी चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब ये दूर से ही राम बहादुर थापा पर चिल्लाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चटर्जी की आवाज सुनकर फाइनली राम बहादुर थापा रुकता है तो उसे भी पात्रों के अलावा कई महिलाओं की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब ये हड़बड़ाहट में अपने पास मौजूद टॉर्च जलाकर देखने लगता है। अब जो नजारा देखने को मिलता है उसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ कृष्णचंद्र पात्रो पड़ा हुआ था और खून से लथपथ जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था तो दूसरी तरफ तीन महिलाएं थीं, जिनमें से एक महिला खामोश हो चुकी थी जबकि दो महिलाएं दर्द से बेतहाशा चिल्ला रही थीं। ये नजारा देखकर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे
कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें लगता है कि अभी तो हमने भूतों पर हमला किया था, फिर ये महिलाएं यहां कैसे आ गईं। थोड़ी ही देर की बातचीत में साफ हो जाता है कि वो महिलाएं कोई भूत नहीं है, बल्कि पास के गांव की ही माझी समुदाय की महिलाएं हैं। मतलब राम बहादुर थापा ने जिन पर भूत समझकर हमला किया था, वास्तव में वो इंसान थे। ये महिलाएं रात में वहां पर महुआ का फूल चुनने आई थीं। जो व्यूअर्स गांव में कभी रहे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब हवा तेज चलती है तो महुआ के पेड़ से उसका फूल गिरता है। गांव घर में लोग उसे जमा करके सुखाकर कई तरह के खाने पीने की चीजें और दवाइयां बनाते हैं। वो महिलाएं भी पुराने जमाने के लालटेन की रोशनी में वही महुआ का फूल चुनने आई थीं। मगर गलती से राम बहादुर थापा ने इन महिलाओं को भूत समझ लिया और फिर उन पर हमला कर दिया। राम बहादुर थापा के इस हमले में गेली माझी नाम की एक महिला की मौत हो जाती है, जबकि दो महिला बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। जब राम बहादुर थापा पागलों की तरह अपनी खुकरी चला रहा था तो उसमें कृष्णचंद्र पात्रो भी घायल हुए थे। अगली सुबह पास के पुलिस स्टेशन को इस बात की जानकारी दी जाती है और पुलिस द्वारा राम बहादुर थापा के खिलाफ एक महिला की हत्या और तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने के लिए सेक्शन 302 के अलावा सेक्शन 306 और सेक्शन 304 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला हत्या का था, मतलब इस बात की पूरी संभावना थी कि राम बहादुर थापा को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी। मगर जब इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है तो कुछ हैरान कर देने वाले फैसले देखने को मिलते हैं। राम बहादुर थापा के वकील की ओर से कोर्ट में दलील दी जाती है कि राम बहादुर थापा ने अनजाने में उन महिलाओं को भूत समझकर उन पर हमला कर दिया। कहीं से भी राम बहादुर थापा का उद्देश्य महिलाओं पर हमला करना नहीं था, बल्कि गलती से महिलाओं पर हमला हुआ जिसमें एक महिला की जान गई, इसलिए राम बहादुर थापा को माफ कर दिया जाए। जबकि दूसरे पक्ष की ओर से दलील दी जाती है कि यह सच है कि राम बहादुर थापा ने अनजाने में एक हत्या को अंजाम दिया, मगर जो लापरवाही उसने दिखाई उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मामला बेहद पेचीदा था, इसलिए लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है और फाइनली 1959 में सेशन कोर्ट द्वारा राम बहादुर थापा को बिना कोई सजा दिए बरी कर दिया जाता है। कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 79 का हवाला देते हुए राम बहादुर थापा को रिलीज किया था। अब ये धारा 79 क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। दरअसल आर्टिकल 79 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बिना किसी अपराध को अंजाम देता है तो अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को माफ किया जा सकता है। कोर्ट पूरी दलील और गवाही सुनने के बाद तय करता है कि राम बहादुर थापा को कहीं से भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में इंसानों पर हमला कर रहा है। मतलब राम बहादुर थापा को वास्तविक तथ्यों का अंदाजा नहीं हो पाया और उसने अनजाने में इस अपराध को अंजाम दे दिया है, इसलिए कोर्ट द्वारा राम बहादुर थापा की हरकतों को मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स करार देते हुए बरी कर दिया जाता है। इस फैसले के बाद राम बहादुर थापा तो जेल से छूट जाता है, मगर तत्कालीन उड़ीसा सरकार द्वारा सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट में अपील की जाती है। लंबे समय तक उड़ीसा हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। पूरी सुनवाई के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट भी राम बहादुर थापा की हरकतों को मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स करार देते हुए निचली अदालत द्वारा आईपीसी 79 के तहत सुनाए गए फैसले को सही करार देते हुए राम बहादुर थापा को बरी कर देती है। कोर्ट द्वारा इस केस की सुनवाई के दौरान 1952 के भी एक केस का जिक्र किया जाता है। 1952 के जिस केस का जिक्र कोर्ट द्वारा किया गया था वो पूरा मामला ये था कि चिरंजी नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ आयुर्वेद से जुड़ी कुछ फूल पत्तियों की खोज में पहाड़ पर चला जाता है। अभी ये लोग पत्तियां खोज ही रहे थे कि अचानक से पहाड़ की ऊंचाई पर चिरंजी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही चिरंजी का सर एक पत्थर से टकराता है। सर के पत्थर से टकराने की वजह से अचानक से चिरंजी के पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो भ्रमित होने लगता है। इस कारण जब थोड़ी देर बाद उनका अपना ही बेटा मदद करने के लिए आता है तो वो अपने बेटे को बाघ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बाघ ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए वो बाघ से बचने के लिए पलटवार करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका बेटा वहीं पर मर जाता है। ये मामला भी कोर्ट जाता है। चिरंजी पर अपने बेटे की हत्या का मामला चलता है, मगर फाइनली कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि सर में चोट लगने की वजह से चिरंजी के सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
इस कारण वो अपने सगे बेटे को बाघ समझ बैठे। इसलिए जब बेटे ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो चिरंजी को लगा कि बाघ ने उस पर हमला किया है, इसलिए उन्होंने जवाबी हमला कर दिया। इस कारण बेटे की मौत हो गई। इस तरह कोर्ट ने चिरंजी को भी मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स का बेनिफिट देते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट की सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सही तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उसके गुनाह को माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। राम बहादुर थापा के मामले में साबित होता है कि उसे कानून की तो जानकारी थी मगर उसे फैक्ट्स यानी तथ्यों का अंदाजा नहीं हो पाया था। इसके अलावा कहीं से यह भी साबित नहीं होता है कि राम बहादुर थापा ने इस हत्या को पहले से प्लान किया था। इसके अलावा राम बहादुर थापा की एक और छोटी सी हरकत भी उसके फेवर में जाती है। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब ये लोग चंद्र मांझी को उसके गांव छोड़ने जा रहे थे तो थापा के पास खुकरी के अलावा एक टॉर्च भी था। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों गवाह बयान देते हैं कि जैसे ही इन तीनों को लगता है कि वहां भूत है, थापा उस तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यहां तक कि वो एक बार टॉर्च जलाकर उस ओर देखने की भी कोशिश नहीं करता है। इसी बयान पर गौर करते हुए हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी दी जाती है कि जैसे ही राम बहादुर थापा ने भूत शब्द सुना, उसके दिमाग में कोई दूसरी आशंका आई ही नहीं। अगर उसके मन में भूत के अलावा किसी और चीज के होने का थोड़ा सा भी गुमान होता तो वो जरूर टॉर्च जलाकर उस ओर देखता। मगर थापा द्वारा टॉर्च जलाकर उस ओर ना देखना इस बात की दलील है कि उसके दिमाग में उस समय सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि सामने जो कुछ दिख रहा है वही भूत है। इस तरह इन सभी तथ्यों के आधार पर राम बहादुर थापा को हाई कोर्ट से भी राहत मिलती है और यह हत्या करने के बावजूद बिना किसी सजा के बरी हो जाता है। एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि जगत बंधु चटर्जी ने हवाई अड्डे पर मौजूद वो स्क्रैप खरीदा या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पब्लिकली इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस अनचाहे हत्याकांड के बाद सभी लोग कानूनी लड़ाई में ही उलझ गए। दोस्तों, आपके अनुसार राम बहादुर थापा के मामले में सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस मामले में फैसला सुनाने का अधिकार दिया जाता तो आपका क्या फैसला होता, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।